कश्मीर फाइल। आखिर क्या है हकीकत? क्या सच में हिंदुओं के ऊपर किया गया अत्याचार कर कि कश्मीरी पंडितों के ऊपर किया गया अत्याचार? द कश्मीर फाइल्स, हर जगह आज आपको द कश्मीर फाइल्स का नाम सुनने को मिल जाएगा, या तो किसी के मुंह से या तो फिर खुलेआम सोशल मीडिया पर। भले होली का त्यौहार है, लेकिन होली के त्यौहार से ज़्यादा लोग द कश्मीर फाइल्स को देखने के लिए बेचैन और उत्सुक हो रहे हैं कहीं से उन्हें टिकट मिल जाए। ये वही फिल्म थी जिसको प्रमोशन के लिए कोई तैयार नहीं थे, जहाँ तक कि कपिल शर्मा ने भी इसका बहिष्कार कर दिया प्रमोशन के लिए। और आज इसी फिल्म को जिसे लोग बहिष्कार कर रहे थे, आज यही ना जाने कितने कितने फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। मैं तो सलाम करता हूँ विवेक रंजन अग्निहोत्री जी को, जिन्होंने की अपनी हर जोखिम उठाते हुए उन्होंने इस तरह की सच्चाई के ऊपर फिल्म बनाने की जरूरत की है, कोशिश की है। मैं आप लोगों से बस यही अनुरोध करता हूँ कि इस पिक्चर को जरूर देखें, क्योंकि ये हकीकत है। आज से 30 साल पहले 1990 के दशक में जब कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हुआ था, उनके ऊपर जुल्म हुए थे, उनके घर से बेदखल कर दिया गया था, आधी रात को घर से बाहर निकालकर एक कतार में 24 लोगों को गोली मार दी गई थी, जिसमें 12 पुरुष 10 स्त्री और 2 मासूम बच्चे थे। सोचिए क्या बीती होगी उनके ऊपर, कितना भयावह वो दृश्य रहा होगा, पर आज तक किसी ने भी इसको नहीं दिखाया। बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक पिक्चर बनी, लेकिन इस हकीकत पर किसी को हिम्मत नहीं हुआ कि यह पिक्चर बनाए। लेकिन आज अगर रिलीज हुई है, किसी ने अगर हिम्मत जुटाया है, तो हमें एक साथ आकर उस फिल्म का प्रमोशन करना चाहिए, उस फिल्म को देखना चाहिए, उनका सपोर्ट करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में और इस तरह की फिल्में जो हिंदुओं के ऊपर जुल्म हुआ है उसको दिखाने का भी कोई ज़रूरत तो करें, कोई प्रयास तो करें। इसलिए आप लोगों से बस यही अनुरोध है कि इस फिल्म को देखिए, और अगर हो सके तो और किसी को भी दिखाइए, क्योंकि ये एक हकीकत है, फिल्म नहीं। आज मैं इसलिए आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ इस वीडियो के जरिए। धन्यवाद। जय हिंद।